तो भैया जी, अभी से 2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था कि फ्लिपकार्ट सेल यानी बिग बिलियन डे सेल में कौन कौन सा ऐसा लैपटॉप्स है, गेमिंग लैपटॉप्स, जिसकी प्राइस काफ़ी कम होने वाली है। कितनी कम होने वाली है, अभी कितनी है और बाद में कितनी हो जाएगी। तो आपका इतना अच्छा रिस्पॉन्स आने के बाद और काफ़ी लोगों ने ये कमेंट भी किया था कि कुछ ऐसे भी लैपटॉप्स बताइए, जैसे कि लाइट वेट लैपटॉप्स आते हैं जिसको ऑफिस कोडिंग वगैरह करना है, वैसे लैपटॉप्स भी बताइए जो कि आपको 30,000 से स्टार्ट होते हैं और 60,000 तक जाते हैं। तो कुछ ऐसे लैपटॉप्स के बारे में भी बताइए। तो आज हम फाइनली यहाँ पे बात करने वाले हैं कुछ ऐसे लैपटॉप्स के प्राइस के बारे में जो कि ड्रॉप होने वाले हैं सेल में। अभी उसकी प्राइस जो है वो लगभग ज़्यादा है, लेकिन सेल में जो है वो काफ़ी कम होने वाली है। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं लाइट वेट लैपटॉप्स जो कि कोडिंग के लिए, यानी उसमें बैटरी ज़्यादा होती है, वो गेमिंग लैपटॉप नहीं होते हैं, कैजुअल कामों के लिए आप कर सकते हैं, ऑफिस वर्क के लिए। तो वैसे लैपटॉप्स के बारे में हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे लैपटॉप्स है जिसको आपको परचेस भी करना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत टाइम लगाकर एक एक करके लैपटॉप को जो है वो चुना है। काफ़ी चूज़ करना काफ़ी मुश्किल था क्योंकि सभी में लगभग सेम ही स्पेक्स मिलते हैं, चाहे वो HP हो, रेनबो हो या फिर एसर हो, बहुत सारी कंपनी है, उसमें से चूज़ करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैंने आपके लिए फाइनली अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ और अच्छी प्राइस के साथ कौन से लैपटॉप्स आपको लेने चाहिए और उसकी प्राइस कितनी डाउन होने वाली है, उस लैपटॉप को चुना है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि कौन कौन से ऐसे लैपटॉप्स हैं। तो दोस्तों, हमने 29 लैपटॉप्स को चूज़ किया है, जिसमें से ये भी एक लैपटॉप है, डेल का इंस्पायरन i3 के साथ आता है, 10th जनरेशन का प्रोसेसर यानी एक साल पुराना है, 4GB रैम है, 256GB की SSD है। अब दोस्तों, इसकी जो प्राइस है वो लगभग अभी आप देख ही सकते हैं यहाँ पे 39,000 है, लेकिन इसकी प्राइस जो है वो सेल में लगभग आपको 32,000 के अप्रोक्स में चली जाती है, तो इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लैपटॉप आता है वो है यहाँ पे रेनबो की तरफ से IdeaPad 3, ये भी काफ़ी अच्छा लैपटॉप है, लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे उतनी पसंद नहीं आती है। i3 10th जनरेशन के साथ आता है, 8GB की रैम है, 1TB की SSD, यहाँ पे HDD मिलता है, SSD फिलहाल आपको नहीं मिलता है। मैं दूसरा लैपटॉप और भी बताऊँगा आगे जिसमें आपको SSD देखने को मिलेंगे, तो इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। ये भी अप्रोक्स आपको 35,000 के अंडर देखने को मिलता है, तो अगर आपका बजट है तो इसको सिलेक्ट करके आप रख सकते हैं। इसका जो नेक्स्ट लैपटॉप है वो ये इसी कंपनी का है, आप देख ही सकते हैं यहाँ पे i3 10th जनरेशन के साथ आता है, 8GB की रैम है और 256GB की यहाँ पे SSD है, तो ये आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। लाइट वेट लैपटॉप है, इसको लेकर घूम सकते हैं, मल्टीमीडिया कंजप्शन या फिर आपको कोडिंग वगैरह करना है, यानी थोड़े बहुत काम करने हैं, तो ये लैपटॉप आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। इसकी जो रेट है वो लगभग आपको 32,000 के अप्रॉक्स में चली जाती है, तो इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लैपटॉप है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, Acer Inspire 5, काफ़ी अच्छा लैपटॉप है, बिल्ड क्वालिटी वाइज भी फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह भी मिल जाता है, तो इसको आप देख सकते हैं। 4GB की रैम है, 256GB की SSD है, रैम थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी और होनी चाहिए थी, और इसकी जो रेट है वो लगभग आपको 30,000 के अप्रोक्स में देखने को मिल जाएगी, तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। आप दोस्तों, आप सोच रहे हो कि मैं इतना कम क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली अगर आप बैंक डिस्काउंट में लगाएंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ लैपटॉप की दाम उतनी कम होगी, आप यहाँ पर जब बैंक डिस्काउंट लगाएंगे तो तब उतनी आपको देखने को मिल सकती है, तो इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लैपटॉप आता है वो है यहाँ पे HP की तरफ से Ryzen 3 है, यहाँ पे डुअल कोर प्रोसेसर है और 3rd जनरेशन का है, तो काफ़ी पुराना है, 2-3 साल पुराना, लेकिन इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। लाइट वेट लैपटॉप है और कैजुअल जितने भी चीज़ें हैं वो कर सकते हैं, SSD भी देखने को मिल जाता है, तो इसको आपकी जो प्राइस है अभी वो 39,000 है और इसकी जो प्राइस है वो लगभग 32,000 से 33,000 में अप्रोक्स देखने को मिल जाती है, तो इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लैपटॉप है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं HP का 15S, काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे इस लैपटॉप के बारे में, तो यहाँ पे Ryzen 3 है, डुअल कोर प्रोसेसर है जो जैसा कि मैंने आपको बताया पहले ही, और यहाँ पे आपको HDD मिलता है, SSD नहीं मिलता है, और इसकी जो प्राइस वो आप देख सकते हैं अभी, और इसकी जो प्राइस है वो सेल में लगभग आपको 30,000 के अंडर चली जाती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि पहले से ही चूज़ करके आप रख लीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट लैपटॉप है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेनबो का IdeaPad 3, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था इससे कुछ देर पहले, तो यहाँ पे i3 10th जनरेशन के साथ आता है, 256GB SSD है, और इसकी जो रेट है वो आपको 40,000 है, लेकिन 35,000 के अंडर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट लैपटॉप है HP का लैपटॉप कोर i3 के साथ आता है, 11th जनरेशन है यानी लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ आता है, और यहाँ पे आपको 8GB रैम है और 256GB SSD है, 40,000 अभी है, लेकिन इसकी प्राइस जो है वो 34,000 के अप्रॉक्स चली जाती है, तो इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट लैपटॉप है यहाँ पे HP का 14S, काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे इस लैपटॉप के बारे में, i3 11th जनरेशन के साथ आता है, यहाँ पे SSD भी है, रैम भी काफ़ी अच्छी है, लाइट वेट भी है, और इसकी रेट थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन ये जो है आपको 36-37 के अप्रॉक्स में देखने को मिल जाती है, तो इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं।
इसके बाद जो नेक्स्ट लैपटॉप है इसका फिगर नहीं आया है, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे देख सकते हैं रेनबो का आइडिया पैड 3 काफ़ी अच्छा लैपटॉप है और 11th जनरेशन के साथ है, यानी जो लेटेस्ट प्रोसेसर है लाइट वेट है और लगभग आपको SSD भी देखने को मिल जाती है, तो इसकी रेट जो है वो अभी थोड़ी सी ज़्यादा है, इन 38,000 अप्रॉक्स इसकी चली जाती है रेट। इसके बाद जो नेक्स्ट लैपटॉप है काफ़ी फेमस है रेडमी ब्रांड की तरफ से, रेडमी बुक 15 ई लर्निंग एडिशन काफ़ी प्रसिद्ध है, मतलब इसके चर्चे तो बहुत ही है, लेकिन इसके जो डिस्प्ले है वो उतनी अच्छी नहीं है, यानी IPS डिस्प्ले नहीं मिलती है। i3 11th जनरेशन है यानी लेटेस्ट है और यहाँ पे 256GB की SSD भी है, तो इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं, आपको 38 या फिर 39,000 का प्रॉक्स में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट लैपटॉप है रेनबो की तरफ से आइडिया पैड स्लिम 3i, काफ़ी अच्छा लैपटॉप है ये, मैंने यूज़ भी किया है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 256GB की SSD भी मिलती है और ये लैपटॉप आपको 38 से 40,000 के अप्रॉक्स में देखने को मिल सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट लैपटॉप है वो है यहाँ पे रियलमी बुक, काफ़ी अच्छा लैपटॉप है और यहाँ पे रिजोल्यूशन जो है वो काफ़ी अच्छी मिलती है, 2K है और यहाँ पे 14 इंच का स्क्रीन भी है, काफ़ी कॉम्पैक्ट है, लाइट वेट है, इसको आप देख सकते हैं SSD वगैरह भी है और लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ है, इसकी जो रेट है लगभग आपको 40 से 42,000 के अप्रॉक्स में देखने को मिल जाएगी, सेल के दौरान अंडर भी जा सकती है 40,000 के, तो इस पर इसको विशलिस्ट में ऐड करके रख लीजिए और देखते रहेंगे कि प्राइस ड्रॉप होती है या फिर नहीं, मैं डेफिनेटली बताता हूँ कि आपको प्राइस ड्रॉप देखने को मिलेगी, इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लैपटॉप है वो है डेल की तरफ से इंस्पायरन राइजन 5 के साथ आता है, यानी लेटेस्ट प्रोसेसर है और ये आपको लगभग मिलता है आपको 60,000 रुपीज़ में, लेकिन इसकी जो रेट है वो लगभग आपको 52,000 या फिर 50,000 के अंडर चली जाती है, तो इस पर भी आप ध्यान रखिएगा कि इसकी प्राइस ड्रॉप कब होती है, काफ़ी बार होता है कि आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, तो इस बात आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट लैपटॉप है वो है यहाँ पे ASUS की तरफ से वीवो बुक अल्ट्रा 14, काफ़ी अच्छा लैपटॉप है, यहाँ पे 10th जनरेशन के साथ आता है, यानी एक साल पुराना लैपटॉप है और यहाँ पे 8GB की रैम है और इसको 32GB तक आप ऑप्टन मेमोरी के जरिए बढ़ा भी सकते हैं यहाँ पे, जैसा कि मेंशन है, और 512GB की SSD वगैरह भी है, लाइट वेट है, कॉम्पैक्ट है, फिंगरप्रिंट सेंसर भी है, यहाँ पे बैकलाइट भी मिल जाता है कीबोर्ड, तो इसको भी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लैपटॉप है और ये लगभग आपको अंडर 50,000 के अप्रॉक्स में देखने को मिलेगा सेल में, तो इस पर भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसका जो नेक्स्ट लैपटॉप है वो है यहाँ पे HP की तरफ से कोर i5 के साथ आता है, लेटेस्ट प्रोसेसर है, लेटेस्ट यहाँ पे रैम भी देखने को मिलती है और यहाँ पे जो 512GB की SSD है, इससे आपकी जो है वो स्पीड वगैरह लैपटॉप में काफ़ी अच्छी होती है, बूट जल्दी हो जाता है और कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो वो जल्दी हो जाता है, तो 56,000 का है लेकिन ये आपको जो है वो 48,000 रुपीज के अंदर देखने को मिल जाएगा सेल में, तो इस पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लैपटॉप है वो यहाँ पे Acer की तरफ से इंस्पायर राइजन 5 के साथ आता है और ये हेक्सा कोर प्रोसेसर है यानी लेटेस्ट है और इसी साल लॉन्च हुआ है, 8GB की रैम है, SSD वगैरह भी है, लाइट वेट भी है और इसमें जो आपको बैकलाइट वगैरह भी मिल जाता है, नंबर की भी है, इसको आप देख सकते हैं 48,000 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे रेनबो की तरफ से आइडिया पैड स्लिम 5 राइजन 7 के साथ आता है और सबसे अच्छी चीज़ कि यहाँ पे आपको मिलता है आपको 47,000 यूबरा प्रोसेसर जो कि यहाँ पे 8 कोर्स और 16 थ्रेड के साथ आता है, तो इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, 14 इंच का है और यहाँ पे आपको इसकी जो प्राइस वो लगभग आपको 50 से 52,000 के अप्रॉक्स में देखने को मिल जाएगा, तो इसको भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट लैपटॉप है यहाँ पे रियलमी बुक्स, काफ़ी प्रसिद्ध लैपटॉप है, 2K स्क्रीन के साथ आता है और यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया ही ये i5 वाला वेरियंट है, इसको भी आप देख सकते हैं, इसकी जो रेट है वो आपको 57,000 है लेकिन ये जो है वो सेल में आपको 52-53,000 के अप्रॉक्स में देखने को मिल जाएगा, तो अभी से आप बजट बना कर रखिए, अगर आपके बजट में आता है तो इसको पहले से सिलेक्ट करके आप रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे नोकिया का प्योरबुक X14, काफ़ी प्रसिद्ध लैपटॉप है, ये भी नोकिया ब्रांड की तरफ से आता है, इसमें आप रैम को भी एक्सपेंड कर सकते हैं, उसमें नहीं कर सकते थे, तो इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं, अभी जो इसकी रेट है वो 54,000 है, 55,000 लेकिन ये आपको अंडर 50,000 रुपीज़ के अंदर देखने को मिलेगा, तो इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लैपटॉप है वो है यहाँ पे MSI की तरफ से मॉडर्न 15 राइजन 5 के साथ आता है और सबसे अच्छी चीज़ की यहाँ पे आपको SSD वगैरह भी देखने को मिलती है, MSI ब्रांडिंग है, सर्विस थोड़ी सी ख़राब है तो ध्यान रखिएगा, 55,000 का है और ये अंडर 50,000 का अप्रॉक्स देखने को मिलता है, तो इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट लैपटॉप है जो कि मेरा फेवरेट है, मी नोटबुक प्रो, QHD स्क्रीन के साथ आता है यहाँ और IPS पैनल वगैरह भी है, लेटेस्ट प्रोसेसर, लेटेस्ट रैम, सारी चीज़ें लेटेस्ट मिलती है आपको और एक अगर आपको मैकबुक का फील चाहिए तो आप इसको ले सकते हैं, अभी जो इसका रेट है 57,000 है लेकिन इसकी जो रेट है वो सेल में काफ़ी कम हो जाती है और आप इसे 53,000 या फिर 52,000 के अप्रॉक्स में ले सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लैपटॉप है वो है यहाँ पे मी नोटबुक अल्ट्रा, ये भी आपको काफ़ी अच्छी स्क्रीन के साथ आता है, उससे एडवांस है और इसे आप चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे 60,000 का मिलता है लेकिन इसकी जो रेट है वो लगभग आपका 55,000 के अप्रॉक्स में देखने को मिलेगी, तो इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं।
तो दोस्तों आई होप ये जो वीडियो है वो पूरे अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अभी इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, अगर फिर भी कोई लैपटॉप जो है वो मिसिंग हो गया है इसमें से, इस लिस्ट में से, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं जितने भी लैपटॉप्स आप कमेंट किए होंगे वो सारे लैपटॉप्स पे अलग से चूज़ करके उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों बस इतना ही था इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसे ही वीडियोज़ लेके आते रहता हूँ।